नमस्कार दोस्तों, आप सब ने हमारे वीडियो छत्तीसगढ़ के 10 भूतिया जगह को ढेर सारा प्यार दिया। ये भूतिया सीरीज की दूसरी वीडियो है। जिन्होंने अब तक इस सीरीज की पहले वीडियो नहीं देखी, वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। भूत, जो कि भूतकाल से बना है, जो बीत गया उसे हम भूत कहते हैं, चाहे वो इंसान हो या समय। पर हमारे समाज में लोगों ने भूत का मतलब कुछ और ही मान लिया है। हमारे समाज में भटकती आत्माओं को भूत कहा जाता है। लोगों के मुताबिक भूत भी कई प्रकार के होते हैं। इनके रहने की जगह और अलग अलग आकृति होने के कारण इनको अलग अलग नाम दिया गया है। हमारे छत्तीसगढ़ में भी भूतों के कई प्रकार हैं, जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। वैसे तो मशान के कई सारे रूप हैं। जो शमशान घाट में रहते हैं, ऐसी आत्माओं को मरघट मशान कहा जाता है, और दूसरे वो जो किसी पेड़ में रहते हैं। कहा जाता है कि मशान सफ़ेद कपड़े धारण किए रहता है और सर पर सफ़ेद पगड़ी बांधे रहता है। वैसे तो ये मशान किसी इंसान को डराते नहीं हैं, पर लोगों का कहना है कि मजरा पान करके ऐसी जगहों पर नहीं जाना चाहिए जहाँ मशान का वास हो। मान्यता है कि कुंवारे युवक मृत्यु के बाद मशान बन जाते हैं। अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो रक्षा के बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा। रक्षा एक खतरनाक शैतान है। सभी भूतों में रक्षा को खतरनाक माना जाता है। रक्षा अधिकतर जंगलों में या ऐसे जगहों पर निवास करते हैं जहां पेड़ पौधे हों और इलाका सुनसान हो। रक्षा सभी भूतों से ज़्यादा शक्तिशाली होता है। यह अपना आकार बड़ा कर सकता है और कई बार इंसानों को नुकसान पहुंचाता है। इसके आसपास ना मदरा ले जाना चाहिए और ना ही मदरा सेवन करके उस इलाके में जाना चाहिए। रक्षा मजरा का शौकीन आत्मा है। कई लोग इसे जिन भी कहते हैं, क्योंकि इसके पास जिन की तरह अद्भुत शक्तियां होती है। बेमौत मरने वालों में पुरुष नहीं, कुछ महिला भी होती हैं। कहा जाता है कि कुंवारी लड़कियां जिनके समय से पहले मौत हो जाती है, उनकी आत्मा भटकती रहती है। छत्तीसगढ़ में ऐसी आत्माओं को परेतिन कहा जाता है। मान्यता है कि परेतिन सफ़ेद रंग के कपड़े पहनकर रात को घूमती है। इन परेतनों का निवास सुनसान इलाका और जंगल पर होता है। कई बार ये आत्मा इंसानों को जकड़ लेती है। इससे मुक्ति के लिए तांत्रिक इन्हें श्रृंगार के समान अर्पित करते हैं। मटिया भी एक प्रकार की परेतिन होती है। इनका निवास तालाब के आसपास होता है। कहा जाता है कि मटिया तालाब के आसपास पेड़ों और तालाब में निवास करती है और कई बार लोगों को नुकसान पहुँचाती है। तालाब में नहाते वक्त लोगों को चोट पहुँचाती है। कहते हैं कि मटिया किसी भी प्रकार के वस्त्र धारण नहीं करती है और अपने बालों को खुला करके नग्न स्थिति में रहती है। मान्यता है कि कई तांत्रिक इन्हें अपने वश में करके लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। मटिया अधिकतर बच्चों को नुकसान पहुंचाती है, इसलिए लोग अपने बच्चों को अकेले में तालाब जाने से रोकते हैं। ठेंगा भूतवा एक प्रकार की भटकती आत्मा है, जो रात को लाठी पकड़कर चलती है। छत्तीसगढ़ में लाठी को ठेंगा कहा जाता है और इस प्रकार इसका नाम ठेंगा भूतवा पड़ा। ये आत्मा लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाती है। कोंदा भूतवा, जिसका मतलब होता है गूंगा भूत। जब यह भूत किसी व्यक्ति को जकड़ता है तो वह व्यक्ति गूंगा हो जाता है। कुछ लोग काला जादू के जरिए इस भूत को भेजते हैं ताकि दूसरों को परेशान कर सकें। इस भूत के काबू में आया व्यक्ति कई दिनों तक गूंगा रहता है। पंबर भूत आग के गोले के समान होता है, जो घने जंगलों में रात को दिखता है। लोग बताते हैं कि यह भूत जलते हुए भागता है। जिन लोगों की मृत्यु आग में जलने से होती है, वो इस तरह के भूत बन जाते हैं। मुड़ीकट्टा एक ऐसी आत्मा है जिसका सर उसके शरीर पर नहीं रहता है। कई तांत्रिक और काला जादू करने वाले लोग इसकी पूजा करते हैं। इसका निवास भी पेड़ों पर होता है। सात बहनी का निवास तालाब में होता है। मान्यता है कि सात बहनी एक प्रकार की देवी है। कुछ लोग इसे भूत भी कहते हैं। लोगों के अनुसार इसकी लंबी चोटी होती है और इंसान को पानी के भीतर खींच कर ले जाती है। आपने कई बार देखा होगा कि डिलीवरी के दौरान कुछ महिलाओं की मृत्यु हो जाती है और उसका बच्चा बच जाता है। मान्यता है कि ऐसी महिलाओं की आत्मा झिकोर बनती है, जो अपने बच्चों से मिलने आती है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि बच्चे रात को रोते हैं, उसका कारण झिकोर ही होती है। काला जादू करने वाले लोग इन्हें अपने वश में करके बच्चों को अपना निशाना बनाते हैं।